सत्य के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने चली है, क्योंकि परंपरागत जो यहाँ का अब तक का इतिहास रहा है, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, इन्हीं दोनों दलों के इर्द गिर्द सिमटी पहाड़ की सियासत में अगर तीसरी दस्तक दी तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। कल की बात करें तो यहाँ पर सुरेश भंडारी ही, जो पूर्व आईएएस अधिकारी, देश का एक बड़ा नाम रहे हैं, दिल्ली सहित तमाम राज्यों में जिनकी अपनी एक बेहतरीन प्रशासनिक कार्यवाहियां रही हैं, उसकी वजह से खास पहचान रखते हैं। इन्होंने अभी अभी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बागेश्वर से रहने वाले हैं और पहाड़ की नब्ज को समझते हैं, यहाँ की सियासत को समझते हैं। इनका एक और परिचय ये है कि बेहद करीबी रहे हैं ये भगत सिंह कोश्यारी जी के, और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनके छोटे भाई हैं। भंडारी जी, स्वागत है आपका आम आदमी पार्टी में। स्वागत हो गया आपका। जी बिल्कुल हो गया। क्यों? इसलिए हो गया क्योंकि केजरीवाल साहब एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स, जो कि आज की तारीख में मोदी जी का कोई अल्टरनेट नहीं है, जो एक किस्म से टोटली धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उनको असल में विकास और आम आदमी के जो सुख सुविधा हैं उनके बारे में जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो एक विचार रखते हैं, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया। ऐसा क्या जादू है केजरीवाल के पास, आईएएस हो, आईपीएस हो, फौजी हो, जो समाज का एक तबका है ना, ब्यूरोक्रेसी का या लिटरेट तबका है, वो जा रहा है, आम नेता वो केजरीवाल के पास नहीं जाता। केजरीवाल साहब का एक तो मेथड है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, नंबर दो वो खुली बात करते हैं, नंबर दो वो समाज के गरीब तबके और हर तबके की बात करते हैं, वो मंदिर मस्जिद की राजनीति में नहीं पड़ते, इसलिए हर आदमी जो धर्मनिरपेक्ष है वो उनके पास जाना चाहता है। वो मुफ्त की राजनीति करते हैं और मुफ्त की राजनीति पर उन पर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि ये कहां से पैसे लाएंगे, उत्तराखंड कर्ज में डूबा प्रदेश है, आप समझते होंगे आपके होमवर्क भी अच्छा होगा। नहीं, वो मुफ्त की राजनीति नहीं करते। यही बजट जो पूर्व सरकार थी दिल्ली में उनको भी आ रहा था, यही बजट केजरीवाल साहब को आया, उन्होंने उसमें अपना एक मैनेजमेंट इस तरह का किया जो जितने में पहली सरकारें चलती थी उससे कहीं कम में सरकारें चल रही हैं, जो बचा हुआ पैसा है उससे जो समाज का गरीब तबका है उनके लिए कुछ सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। दिल्ली में आपका कर्म क्षेत्र रहा है, बहुत करीब से आप समझते हैं दिल्ली के भौगोलिक परिस्थिति को, वहाँ के लोगों के मिजाज को, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं आपको? दिल्ली सरकार का जो मॉडल है क्या काम कर रहा है? दिल्ली सरकार का मॉडल बिल्कुल काम कर रहा है सर। आप ये देखिए, चंडीगढ़ जो काफ़ी प्रबुद्ध है और मेरे ख्याल से विदेश में भी चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत है, फिल्म इंडस्ट्री पूरी भरी पड़ी है और मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पूरा भरा पड़ा है। अगर वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीत रही है, इसका मतलब पूरे देश में कहीं ना कहीं इनका प्रभाव तो है। कहा जाता है आप कोश्यारी जी के बहुत करीब रहे, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, छोटे भाई है आपके, भाजपा में जाना तो एक आपके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी होती। नहीं जी, कोश्यारी जी हमारे रिश्तेदार हैं और हमेशा रहेंगे, और धामी भी हमारा छोटा भाई है, उसके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन चूंकि वैचारिक लड़ाई जहाँ पर होती है तो उसमें फिर कहीं ना कहीं आई थिंक प्रजातंत्र है तो भाई कर्म क्षेत्र अलग है और जो आपसी परिवार का व्यवहार है वो अलग है। जब नरी जिस तरह से पहाड़ के जो नेता है बड़े ड्रामेटिक है, चुनाव के समय पर कब कौन किस डाल पर बैठ जाए भरोसा नहीं, यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा नेता कब तक किस पार्टी में रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बन रही है। क्या लगता है आपको कि अब ये समय आ गया है जब 21 साल के बाद उत्तराखंड को एक बेहतरीन नेताओं की जरूरत है, एक ऐसी टीम की जरूरत है जो उत्तराखंड के विजन को लेकर आगे बढ़े, पहाड़ के विजन को लेकर आगे बढ़े? इसीलिए तो आम आदमी पार्टी आ रही है, इसीलिए तो जीतने वाली है, इसीलिए सरकार बनाने वाली है, और हम विजन के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा विजन है बेसिकली हम इसको हिमाचल के मॉडल पर डेवलप करेंगे, हम यहाँ बागवानी करेंगे, हम यहाँ पर कनेक्टिंग रूट्स करेंगे, हम यहाँ स्मॉल स्केल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम आम आदमी के लिए, जो आम आदमी हमारा भागता है
उसके लिए ऐसी सुख सुविधाएं मुहैया कराएंगे ताकि वो अपना माइग्रेशन बाहर न करें। माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, पलायन, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, इसकी बातें सारी पार्टियां करती है। कर्ज में डूबे प्रदेश में अगर पलायन होता है, इसका बड़ा गुनहगार कौन है, भाजपा या कांग्रेस? ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने यहाँ पर जो लैंड कंसोलिडेशन होना चाहिए था वो नहीं किया, और जो हमारा प्रांत है बेसिकली ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं बना है। ये खासकर हमारा जो पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर बेसिकली हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, यहाँ पर फ्लोरिकल्चर होना चाहिए। हम इसको लगभग उसी तरह से हमें विकसित करना चाहिए जिस तरह से हिमाचल है। आज की तारीख में हिमाचल में जो डेवलपमेंट है वो हमसे कम से कम 100 साल नहीं तो 50 साल आगे है। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल को बाहर से कांग्रेस ने सपोर्ट किया, एक समय ऐसा था, उत्तराखंड में कहीं अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि आम आदमी पार्टी के 2, 4, 6, 10 विधायक जितने भी जीतते हैं, ईश्वर करे कि आप बहुमत में आए, लेकिन अगर ऐसी जरूरत पड़े कांग्रेस को, भाजपा को तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे जैसा कि लगता है, कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो क्या इफ एंड बट, अगर या मगर करते हुए आप बैसाखी बनेंगे सरकार बनाने में? इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका उत्तर कर्नल साहब देंगे। या नहीं, आप एक बड़े प्रशासनिक अमले में रहे, आपकी सोच है प्रोग्रेसिव सोच है। नहीं, मैं और समय को देखते हुए, मैं तिवारी जी बिल्कुल नया आदमी हूँ, मैं सबसे जो नया सिपाही उसका हूँ, तो ये बड़ी बात है। और ये चूंकि मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जो डिसीजन लेगा, ये पार्टी के स्तर पर डिसीजन लिया जाएगा और ये हमारी पार्टी डिसीजन। अच्छा, चूंकि आपने कहा नए नए सिपाही हैं, ये कैसी पार्टी है आम आदमी पार्टी? अपने आप में विलक्षण ही होंगे ये केजरीवाल जी, जो अभी अभी आप कल ज्वाइन करते हैं और अब आप कालाढूंगी से दावेदार होने जा रहे हैं। नहीं, दावेदार हम इसलिए हैं कि मेरी माँ वहाँ 12 साल में टीचिंग की है, और दूसरा ये कि हल्द्वानी में जहाँ मेरा घर है उसके बगल से सारी कंस्टिट्यूंसी चालू होती है, तो ऐसा कोई नया जगह नहीं है मेरे लिए, हम आते जाते रहे हैं। मैं माननीय बजे सिंह रावत जी, वो जब रक्षा राज्य मंत्री थे और उसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, उनका मैं OSD रहा हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ, तो उस दौरान भी हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है। केजरीवाल जी से मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल, केजरीवाल क्या बोले? केजरीवाल साहब कह रहे थे जाओ और डट के लड़ो भाई, जीतो। कुछ तो उन्होंने फार्मूला दिया होगा। फार्मूला अब यहाँ पर थोड़ी बता सकते हैं, दो बताइए। नहीं नहीं, फार्मूला है समाज सेवा का फॉर्मूला दिया होगा। समाज सेवा को तो ये भैया वहाँ जाओ, वहाँ की फैसिलिटीज अम्यूनिटीज को देखो, वहाँ आम आदमी के लिए जो फूड सप्लाई का ऑफिस है वो कैसा कर रहा है, जो रेवेन्यू का ऑफिस है वो कैसा कर रहा है, या जो हेल्थ की जो डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल हैं, वो कैसे काम कर रही है, एजुकेशन का क्या हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन मेन मुद्दा है सब। चलिए, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये है भंडारी जी जो कह रहे हैं, अभी इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, बड़ा विजन है आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में। केजरीवाल जी ने इन्हें कई ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिस पर इन्हें काम करना होगा। हम भी शुभकामना देंगे आपको कि आप जिस तरह से प्रशासनिक आपके कामकाज में आपने अपना एक मुकाम बनाया, राजनीति में भी मुकाम बनाए। केजरीवाल जी जीते या हारे ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन अगर ऐसे लोग राजनेता बनकर समाज सेवा में आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को फायदा होगा, ऐसी उम्मीद भी हम करते हैं। अगले सक्सेस के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य के साथ।